नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मेरा नाम है प्रद्युम्न शर्मा। बड़ी बहस में आज चर्चा होगी सीट बंटवारे को लेकर। विपक्ष में मचे सियासी घमासान के बीच अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता हुआ नजर आ रहा है, या यूं कहें कि अखिलेश यादव के सीट बंटवारे की रणनीति के सामने कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। क्योंकि सूत्रों की माने तो मध्य प्रदेश में पहली बार सपा और कांग्रेस मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन के तहत सपा को 7 सीट देने पर सहमति बन गई है, जबकि 2 अन्य सीटों पर विचार किया जा रहा है। इस बारे में आधिकारिक घोषणा अगले सप्ताह किए जाने की पूरी संभावना है। एमपी में पिछले विधानसभा चुनाव में सपा ने बिजावर सीट जीती थी, जबकि 6 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही थी। दूसरे स्थान वाली सीटों पर मुख्य लड़ाई बीजेपी से हुई थी। वहीं साल 2003 के विधानसभा चुनाव में सपा के 7 विधायक जीते थे। इस बार सपा ने गठबंधन के तहत 10 से 12 सीटें मांगी थी। इस मुद्दे पर सपा के प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव और कांग्रेस के एमपी के प्रभारी महासचिव रणदीप सुरजेवाला के बीच कई राउंड की बातचीत भी हुई है। सूत्रों की माने तो सपा को रीवा, दतिया, पन्ना और छतरपुर जिलों में 7 सीटें दी जाएंगी। 2 और सीटों पर सपा ने दावा किया है। यह भी दावा कांग्रेस हाईकमान के सामने प्रस्तुत कर दिया गया है। अंतिम निर्णय वहीं से लिया जाएगा। तो इसी मुद्दे पर करेंगे आज की बड़ी बहस। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको सपा पार्टी की प्रतिक्रिया सुनाते हैं और ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। ये निषाद पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी योगी के साथ है ऑलरेडी, क्योंकि उन्होंने इन्हें सम्मान दिया। निषाद राज के किले को बनाया, इनकी मंत्रालय अलग किया, पैसा दिया, और 70 साल में मेरी फाइल जो गायब कराए कि हम शामिल करेंगे। पहली बार है भारतीय जनता पार्टी ने अपने लेटर से लिखवाया RGI से कि हम केवट मल्ला मझवार हैं, अनुसूचित जात के हकदार हैं। इनकी गिनती 1961 में अनुसूचित जात में हुई थी। तब जब एक बार हमारी गिनती हुई तो हमेशा गिनती होनी चाहिए। हमारी गिनती छीनने वाले सब ये बेईमान हैं, धोखेबाज हैं, इन्हें हटाया जाए और हमारी गिनती अनुसूचित में कराया जाए। इसलिए मोदी जी को पूरे देश के मछुआरे वोट देने के लिए तैयार हैं, वो देकर जिताएंगे। हमेशा हम गठबंधन धर्म निभाते हैं। हमने आगे बढ़कर जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको सबको पहल करके इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाया है। तो हम चाहते हैं कि ये एक जो मजबूत विकल्प भाजपा के सामने बना है, और आज जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी घबराए हुए हैं और अहंकार वश कुछ भी बोले जा रहे हैं, जनता के सवालों का जवाब नहीं देते, बेरोजगारी पर नहीं बोलते, महंगाई पर नहीं बोलते, लेकिन इंडिया गठबंधन से घबरा कर बोल रहे हैं उलझुल जुलू। तो हम चाहते हैं कि उनका हर जगह एक अपना सम्मान रहे, इसीलिए हमने मध्य प्रदेश में भी उनको सम्मान दिया है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, तो इन क्षेत्रीय दलों को भी अपना बड़ा दिल दिखाकर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को स्वीकार करना चाहिए और साथ चलना चाहिए, तभी हम इस तानाशाह भाजपा सरकार को हरा सकते हैं। समाजवादी पार्टी इस बार मध्य प्रदेश का चुनाव बहुत बेहतर लड़ने जा रही है। निश्चय ही कांग्रेस से गठबंधन की बातचीत चल रही है, इसकी पुष्टि समाजवादी पार्टी हमारा नेतृत्व जब तय कर देगा तभी आपके सामने आंकड़े आएंगे कि समाजवादी पार्टी कितने सीटों पे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। लेकिन एक बात मध्य प्रदेश की जनता को और मौजूदा बीजेपी को बताता चलूं कि इस गठबंधन से एक बड़ा असर होने जा रहा है मध्य प्रदेश के चुनाव में, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो जनाधार है वो मौजूदा वहाँ की विपक्ष के दल कांग्रेस के साथ जब जुड़ेगा तो उसका असर पूरे प्रदेश की राजनीति में कुछ दूसरा जाने वाला है। लंबे समय से समाजवादी पार्टी को तो फिलहाल जिस तरीके से आपने प्रतिक्रिया सुनी, अब इस चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि कपिल श्रीवास्तव सपा प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडिया न्यूज पर। उसके बाद राहुल राज पर कांग्रेस प्रवक्ता है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जिया मंजरी राजनीतिक विश्लेषक है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ विजय खेरा है नेता बीजेपी, आपका भी सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले कपिल जी आप ही के पास आऊंगा। जिस तरीके से अब सीट बंटवारे को लेकर जो स्थिति बनी हुई थी वो जो संशय बना हुआ था वो साफ होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एक तरफ उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की स्थिति क्या कहती है, अब आप मध्य प्रदेश का भी रुख कर रहे हैं, क्या कुछ प्रतिक्रिया देंगे? कपिल जी आवाज पहुंच रही है? जी जी आवाज आ रही है। कपिल जी एक तरफ उत्तर प्रदेश की सीट है, अब मध्य प्रदेश की तरफ भी आप लोग रुख कर रहे हैं, क्या कुछ पार्टी की स्थिति बनी हुई है अभी?
कि अभी मध्य प्रदेश की ओर हम लोग शिफ्ट करेंगे। आपको याद होना चाहिए पिछले इलेक्शन के पहले वाले इलेक्शन में मेरे विधायक थे मध्य प्रदेश के अंदर, और हमारे प्रदेश कार्यकारिणी का गठन है वहां पर, जिलों में कार्यकारिणी का गठन है। तो हम आज से तो प्रयासरत नहीं है मध्य प्रदेश में, हमारे साथ विधायक थे। और पिछली बार भी जो इलेक्शन हुआ उसमें हमारे दो विधायक जीत करके आए, एक तो वर्तमान में भी थे, अभी निवर्तमान वाले में आप हैं, और दूसरा जो एक थे वो बाद में साहब के साथ चले गए। तो समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में एक वो हमारा बुंदेलखंड से जुड़ा हुआ है उसमें हमारी मजबूती स्थितियां हैं, चंबल के एरिया में बहुत ही ज्यादा मजबूती स्थितियां हैं। और निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी जिस मेहनत के साथ, जिस सूझबूझ के साथ हमारे कार्यकर्ता वहां पर लड़ रहे हैं, हम लोग ये कह सकते हैं कि 12 से 15 सीट तो बहुत आराम पर हम लोग जीत करके आएंगे, क्योंकि 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, शिवराज सरकार के विरुद्ध, और मुख्य रूप से तो भ्रष्टाचार जिस कदर व्याप्त है मध्य प्रदेश के अंदर, इसीलिए शिवराज सिंह चौहान साहब को मुख्यमंत्री होते हुए भी चेहरा जो है वो प्रोड्यूस नहीं किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और साथ जो सात सांसद भेजे गए जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने तो अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया है। ठीक है, ठीक है, विजय जी लगातार बने हुए हैं। विजय जी, जिस तरीके से आपने अभी कपीश जी को सुना, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए हम लोग तो प्रयासरत तो मध्य प्रदेश में पहले से ही थे, अब और मजबूती दी जा रही है, सीटें निकलेंगी, उत्तर प्रदेश में भी लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ बीजेपी कहती है कि सरकार रिपीट आप लोगों की होने जा रही है, और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का सुप्रा साहब जैसे पहले किया अब करेंगे, लेकिन प्रवक्ता साहब और कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, इनका अलायंस हो या ना हो उसे हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि हमारा चुनाव बुनियादी तौर से विकास के ऊपर निर्भर रहता है, हमारे कार्यों पर निर्भर रहता है, और दूसरी बात इनकी गुंडागर्दी रोकने पर निर्भर रहता है कि हम स्वच्छ प्रशासन दें, शांति रहे और हिंसा न हो, ये हमारे मुख्य मुद्दे रहते हैं। ऊपर से नेतृत्व और फिर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, मतलब इतनी ताकत है ऊपर से, संगठन इनसे कई गुना अच्छा, कई गुना बेहतर समर्थित, इन सब बातों के कारण इनके अलायंस से तो हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। रहा समाजवादी पार्टी का, 2-4-5 सीटें उनकी आती हैं, वैसे भी आती रहेंगी, हो सकता है 1-2 कांग्रेस के साथ गड़बड़ जाए अलग बात है, लेकिन समाजवादी पार्टी का एक उद्देश्य जरूर पूरा होता है इससे, और वो है जैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को घर पहुंचा दिया, ये मध्य प्रदेश में भी यही दुर्दशा कर देंगे उसकी, क्योंकि जैसे ये साथ में अलायंस होंगे तो कांग्रेस का जो कोर वोटर है वो भी इसलिए छोड़ के चला जाएगा कि इस पार्टी को वो हमेशा गुंडई पार्टी का एक तमगा लग गया है। अब कारण जो भी रहे हो उसके, सच झूठ का ये बताएंगे, लेकिन जो तमगा लग गया है उसकी वजह से कांग्रेस को भारी नुकसान होता है हर समय। फिर हमें जहां तक सवाल है भारतीय जनता पार्टी को, उसको कोई फर्क पड़ता नहीं, हमने मकान दिए, हमने शौचालय दिए, स्वच्छ प्रशासन दिया हमने, वोट का परसेंटेज हमारा तब भी ज्यादा था, हालांकि हमारी सीटें कम आई थी मध्य प्रदेश में उस समय, अलग बात है, लोकसभा में सूप किया था, क्लीन सूप था हमारा, और वो अब की बार भी होने वाला है विधानसभा में। ऊपर से इनका समाजवादी पार्टी का जो क्षेत्र है वो है विंध्य चंबल और थोड़ा सा महाकौशल, जहां थोड़े बहुत वोट इनको मिलते हैं, इन्होंने संगठन खड़ा करने का प्रयास किया है उन क्षेत्रों में। इनको सिंधिया जी से इतना नुकसान हो जाएगा अब चंबल के क्षेत्र में कि हमें जरूरत ही नहीं कहीं और से भरपाई करने की, ही विल बी एनफ फॉर बुंदेलखंड में और वहां पर। इस कारण से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये करें अलायंस तो ना करें तो, कांग्रेस को जरूर बर्बादी के रास्ते पे ले जाएगी सपा, वो निश्चित तौर से ठीक है। ठीक है, एक बार पूछ लेते, राहुल राजभर लगातार बने हुए हैं। राहुल जी, अब सपा कांग्रेस को बर्बादी की राह पर लेकर जा रही है क्या? अब चूंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी मजबूती से मध्य प्रदेश में एक अपनी ताकत से खड़ी है, पिछले बार भी हम चुनाव जीते थे और इस बार भी चुनाव हम जीतेंगे, और कांग्रेस पार्टी की हमेशा से परंपरा रही है कि अपने घटक दलों को एक सम्मान देने का और उनके साथ सहमति और संवाद के साथ ये तय करना कि कौन कहाँ लड़ेगा, वो एक हमारा एक असेसमेंट पूरा स्ट्रक्चर है, कोई मतलब हवा हवाई वाली चीजें नहीं होती, हम जमीन पे एक रिपोर्ट लेते हैं, एक अपना पूरा एक स्ट्रक्चर जो हमारा तैयार, उसके आधार पर तय होता है कि नहीं कौन कहाँ चुनाव लड़ेगा। निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन जब से बनी हुई है तब से तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनके नेता हैं, बहुत बौखलाए से रहते हैं, इनके पास क्योंकि इसका कोई काट नहीं है। और जिस तरह से राहुल गांधी पिछड़ों के, दलितों का, आदिवासियों का आवाज मजबूती से उठा रहे हैं, उससे भी
एक बहुत बड़ा इस देश का जो हिस्सा है वो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा होने जा रहा है। और अभी प्रियंका गांधी और कांग्रेस ने वहां कार्यक्रम किया और प्रियंका गांधी जी ने अपना जो गारंटी दिया उससे भी काफी लोगों में उत्साह है। और लोग चूंकि पिछले बार से ही इनके प्रति एक आक्रोश है जनता में, अभी ये लोग जिस तरह से बिजली का बिल मनमाना बढ़ा है, जिस तरह से गैस सिलेंडरों का दाम बढ़ा है, लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, तो कांग्रेस ने जो गारंटी दिया उससे लोगों में एक होप पैदा हुआ है। लोग को उम्मीद है कि अब कांग्रेस पार्टी आएगी तो हमें 500 रुपए का सिलेंडर गैस मिल जाएगा, 1500 रुपए प्रत्येक महिलाओं को मिल जाएगा और 100 यूनिट बिजली फी फ्री मिलेगी। तो इससे लोगों में एक होप जगा है, लोगों के जीवन में एक आस जगी हुई है। और निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन वहां सरकार बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इनके पास तो कैंडिडेट भी नहीं मिल रहे हैं, अभी आप सोचिए कि कितने बार लिस्ट जारी कर चुके, 4 बार लिस्ट जारी किए हुए हैं और अभी भी महज 136 के करीब हमें लग रहा है कि सीटें घोषित कर पाए हैं। और कांग्रेस पार्टी ने अभी एक बार लिस्ट जारी किया और सीधे 144 सीटों का घोषणा कर दिया। तो इनके पास अब तो प्रत्याशी नहीं बचे, इनको सांसदों को मंत्रियों को हटा के लाके यहाँ पे चुनाव लड़ाना पड़ रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी अपने हार के लिए तैयार हो जाए, गम सहने के लिए। ठीक है, आ रहा हूँ आपके पास। जिया मंजरी लगातार बनी हुई है। जिया जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी जी। जिया जी, जिस तरीके से तीनों मेहमानों को आपने विस्तार से सुना है, एमपी में जो सीट देने को लेकर या आगे बढ़ रही है समाजवादी पार्टी, उसको किस तरीके से आप देख रही हैं? क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो एक्टिवनेस यूपी में ज्यादा है, मद्देनजर एमपी की बदौलत क्या स्थिति बन रही है? देखिए, सपा का जो वोटर बैंक रहा है वो मैक्सिमम आप देखें यूपी में ही फैला हुआ था और यूपी में भी वो पूर्ण बहुमत से नहीं आ पाए, जीत नहीं पाए पिछला इलेक्शन और पिछले के पिछला इलेक्शन भी, तो जिससे पार्टी की छवि पे भी बहुत एक बड़ा असर पड़ता है। उनसे नई पार्टी है आम आदमी पार्टी, जो कि कई प्रदेशों में अब एक्टिव हो चुकी है, किंतु समाजवादी पार्टी कई वर्षों पुरानी पार्टी है जो कि अभी तक उत्तर प्रदेश में सीमित है और अब जाकर के कहीं इक्का दुक्का सीट चला रही है। दूसरी बात, हम बात करते हैं कि जो एक वोट बैंक जो डिवाइडेशन वाला फॉर्मेशन है कि वो जो एक कह दीजिए बिल्कुल रेगुलर वोटर्स हैं या फिर जो लॉयल वोटर्स हैं वो या जो वोटर्स को वो कैच करने की प्रयास कर रहे हैं वो ऑलरेडी कांग्रेस को वोट करते हैं, तो उनका वोट बैंक वहां पे बन जाना एक बहुत मुझे इतना आसान नहीं लगता। जैसा कि अभी एक हमारे साथी बोल रहे थे कि चंबल की सीट में वहां पे कुछ जाटव, वहां पे कुछ बहुत अधिक मात्रा में यादव नहीं है, तो वो वहां पे शायद उनका असर हो, लेकिन मुझे वहां पे भी इतना असर दिखता नहीं है। तीसरी बात पे अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी बोल रहे थे कि बहुत परेशान है सब लोग, तो देखिए मैं ग्राउंड पे काम करती हूँ, ग्रास रूट लेवल पे मिलती हूँ लोगों से, गांव-गांव जाकर के मैं मिली हूँ लोगों से। तो ये जो एक जो लाडली बहना योजना चल रही है इसका गाँव में बहुत उत्साह देखा गया है, बहुत ही उत्साह देखा गया है। दूसरी बात कि इसके लिए जो एक कमिटमेंट किया गया कि महिला सम्मान योजना, वो भी लाडली बहना योजना की एक प्रकार से कॉपी है। यदि आप लाडली बहना योजना को प्रतिकार कर रहे हैं या उसका उसके अगेंस्ट में बोल रहे हैं तो फिर आप महिला सम्मान योजना को स्टार्ट करने के लिए अपने घोषणा पत्र में क्यों लिख रहे हैं? दूसरी बात पे आती हूँ कि देखिए ये फ्री रेवड़ी कल्चर जो बहुत पहले से स्टार्ट हो गया, जो कि अभी तक खत्म नहीं हो पा रहा है, कि एक एक जो है धर्म समुदाय को फ्री रेवड़ी कल्चर मिलता है, दूसरे समुदाय को नहीं मिलता है। वो फ्री रेवड़ी कल्चर आप अब बिजली पानी और मेडिकल सर्विसेज इसमें भी चलाएंगे तो ये सुविधा एक दिन अस्त हो जाएगी। ठीक है, समय कम है। जी, समय कम है, चारों मेहमानों को रोकना चाहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपको बता दें कि तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर सामने आई, अब मध्य प्रदेश में लगातार समाजवादी पार्टी एक्टिव होती हुई नजर आ रही है, एक तरफ उत्तर प्रदेश में जो एक्टिवनेस है वो भरपूर देखने को मिल रही है, लेकिन जो अलायंस का जिक्र अभी हम लोगों ने किया वो किस हद तक जा सकता है मध्य प्रदेश में, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बड़ी बहस में अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नमस्कार।